हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू यूपी पाठशाला। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ के इस लेक्चर में। जैसे कि आप सभी को पता, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और लगभग हम 12 क्लास कर चुके हैं नंबर सिस्टम की, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है सिर पैर से संबंधित प्रश्न, ठीक है। ये टॉपिक आपकी एग्जाम दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इससे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि विद इन सेकेंड आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे कि इस संसार में जितने भी सजीव प्राणी हैं, उनके कितने सिर होते हैं, एक, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, एक सिर होता सभी का। अगर मैं बात करूं पैरों की बात करूं तो कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके पैर क्या होते हैं, चार होते हैं। कुछ पक्षी ऐसे हैं जिनके पैर क्या होते हैं, दो होते हैं। मनुष्य के पैर भी दो होते हैं। मतलब पैर क्या होते हैं, कुछ के क्या होते हैं, चार होते हैं। कुछ के पैर कितने होते हैं, दो होते हैं, और कुछ के पैर क्या होते हैं, चार होते हैं। इतनी बात आई थिंक सभी को पता होगी कि सिर सभी का एक होता है और पैर दो या चार हो सकते हैं। वो तो हमें पता चलेगा जैसे क्वेश्चन आएंगे, जिस टाइप के, अगर कोई पक्षी होगा तो उसके दो भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई जानवर होगा जैसे घोड़ा है, हाथी है, इनके सबके क्या होते हैं, चार पैर होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हमें पैरों की संख्या कितनी लेनी है, कैसे लेनी है, लेकिन सिर हमेशा क्या होता है, एक होता है। चलिए, इतनी बात समझ में आ रही है तो आगे चलते हैं। अगर मैं आगे क्वेश्चन की बात करूं किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में, तो क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि कुछ तोते पेड़ पर बैठे हैं तथा कुछ बकरियां पेड़ के नीचे चर रही हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 35 है तथा कुल टांगों की संख्या 90 है तो तोतों की संख्या बताइए, ठीक है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है, वो सिर्फ एक फॉर्मूले से हो जाएंगे सारे के सारे। फॉर्मूला क्या, मैं आपको बताता हूं। फॉर्मूला ये है कि चार टांगों वालों की संख्या, चार पैरों वालों की संख्या या टांगों वालों की संख्या, चार पैरों वालों की संख्या बराबर क्या होता है आपका, L अपॉन टू माइनस H, ठीक है। जहां L बराबर क्या होता है, कुल पैर, ठीक, और H आपका क्या होता है, कुल सिर, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही होगी। सिर्फ इस फॉर्मूले से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इस टाइप के जितने भी बनेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। फॉर्मूला हो गया हमारा चार पैरों वालों की संख्या बराबर एल वाई टू माइनस के एच। हमें गिविन क्या है क्वेश्चन में कि कुल सिरों की संख्या कितनी दे रखी है, 35 दे रखी है। सिर्फ कितने दिए हैं हमें, सिर बराबर कितने दिए हैं, 35, और कुल पैर कितने दिए हैं, 90। टांगे या पैर एक ही बात है, तो कुल पैर कितने दिए हमारे पास, 90, ठीक है। अगर मैं चार पैरों वालों की संख्या निकालूं, चार पैरों वालों की संख्या, पैरों वालों की संख्या बराबर क्या होगा, एल वाई टू माइनस एच, ठीक है। एल क्या है हमारा, 90 लेग, ठीक है, 90 बटे दो माइनस कुल सिर कितने हैं, 35, ठीक है। अब देखो 90 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 45 माइनस के 35, तो चार पैर वालों की संख्या कितनी आ गई भैया, 10, ठीक है। तो ये चार पैर वाला आ गया। चार पैर वाले क्या थे हमारे क्वेश्चन में, बकरियां। बकरियों की तो होती है चार टांगे, और तोतों की कितनी होती है, दो। जबकि हमें निकालना क्या है कि तोतों की संख्या बता दिए, बताइए। तो तोतों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो चार पैर वालों की संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई, तो इनके सिर कितने होंगे, 10 सिर होंगे, और टोटल सिर कितने दे रखे थे हमारे पास, 35। इसका मतलब अगर हम सिर में से चार पैरों वालों की संख्या निकाल देंगे तो हमें तोतों की संख्या मिल जाएगी, क्योंकि तोतों के सिर भी एक होता है और बकरियों का सिर भी एक होता है, ठीक है। तो इसलिए
तोतों की संख्या, तोतों की संख्या बराबर 35 माइनस के 10, कितना आ गया 25 आंसर। ठीक है, इस तरीके से कर रहे हैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन इस टाइप के। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना जो भी डाउट हो आपको। ठीक है, चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। क्वेश्चन नंबर दो है आपका, भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं, तब भेड़ों की संख्या बताइए, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में कुल पैर कितने हैं, 16, मतलब L बराबर हमें कितना दिया है, 16 दिया है। ठीक है, उसके बाद बोला कि जो सिरों की संख्या से कितना अधिक है, 10 अधिक है, तो अगर मैं सिरों की संख्या की बात करूं, हेड्स की बात करूं, तो कितने होंगे, देखो जो पैरों की संख्या है वो सिरों की संख्या से कितनी अधिक है, 10 अधिक है, अगर मैं 10 माइनस कर दूं इसमें से तो सिर आ जाएंगे मेरे, हेड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो कितना आ गया 6, तो सिरों की संख्या कितनी होगी 6। आ रही बात समझ में, इतनी ये बात समझ में आ गई। तो अब हमें क्या चाहिए, भेड़ों की संख्या चाहिए। भेड़ों की टांगे कितनी होती हैं भैया, 4 होती हैं, और आदमी की कितनी होती हैं, 2 टांगे होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 4 पैरों वालों की संख्या, 4 पैरों वालों की संख्या बराबर क्या होता है, एल वाई टू माइनस एच। ठीक है, एल कितना था 16 बाई टू माइनस एच कितना हमारा 6। ठीक है, तो कितना आगे देखो, 8 माइनस के 6 बराबर 2। 4 पैरों वालों की संख्या कितनी आ गई, 2, और 4 पैर किसके होंगे, भेड़ों के, इसका मतलब भेड़ों की संख्या कितनी आ गई हमारी, 2। ठीक है, आई थिंक ये भी समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया, अगला क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है आपके एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 3, इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। ठीक है, यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं, तो कबूतरों की संख्या बताइए, कबूतरों की संख्या बताइए। ठीक है, देखो कितने कुल पैर, सिर कितने दे रखे हैं, H बराबर कितना दे रखा हमें 90, कुल पैर कितने दे रखे हैं 224, L बराबर कितना दे रखा 224, हमसे क्या पूछा कबूतरों की संख्या, तो कबूतरों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले तुम क्या करोगे, किसकी संख्या निकालोगे, चूहों की संख्या निकालोगे, 4 पैरों वालों की संख्या निकालोगे। ठीक है, तो 4 पैरों वालों की संख्या का क्या होता है, 4 पैरों वालों की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी, L by 2 minus H, यही यूज करना सभी क्वेश्चंस में। ठीक है, L कितना है 224 बटे 2 माइनस के 90, कितना हो गया 112 आएगा। ठीक है, 112 आएगा, यहां से माइनस 90 आएगा, कितना जाएगा हमारा ये 22। ठीक है, तो 4 पैरों वालों की संख्या कितनी आ गई हमारी, 22 आ गई, लेकिन कुल सिर कितने थे हमारे पास, 90 थे, इसका मतलब कबूतर व चूहे मिलाकर कितने थे टोटल, 90 थे। तो इसका मतलब चूहे कबूतर पूछा ना हमसे,
तो कबूतरों की संख्या, कबूतरों की संख्या बराबर क्या आएगा, 90 माइनस के 22, कितना जाएगा देखो 68 आंसर। ठीक है, तो कबूतरों की संख्या कितनी होगी 68। ठीक है, मतलब जितने सिर होते हैं उतने ही मिला के दो पैर वाले और चार पैर वाले होते हैं टोटल, चार पैर वाले प्लस दो पैरों वाली संख्या क्या होती है, जो हमारी सिरों की संख्या होती है। इसीलिए मैंने क्या करा, सिरों की संख्या में से चार पैरों वालों की संख्या घटा दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दो पैरों वाली संख्या आ जाएगी जो कि हमारे 68 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। ठीक है, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में, जितने घोड़े हैं उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, आधे आदमी अपने घोड़ों पर बैठे हैं। जितनी संख्या में घोड़े थे उतनी ही संख्या में क्या थे, आदमी थे, और आधे आदमी क्या थे, अपने घोड़ों पर बैठे थे। ठीक है, आधे आदमी अपने घोड़ों पर बैठे हैं तथा आधे आदमी अपने घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं। ठीक है, और आधे क्या है, जमीन पर पैदल चल रहे हैं अपने घोड़ों के साथ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी आई थिंक। यदि जमीन पर चल रही कुल टांगों की संख्या, जमीन पर चल रही कुल टांगों की संख्या कितनी दे रखी है हमें, 70। ठीक है, तो घोड़ों की संख्या बताइए, तो घोड़ों की संख्या हमें बतानी है। देखो इसे हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है, और एक हम बना सकते हैं इसे डिटेल मेथड में। ठीक है, दोनों ही आसान मेथड है, कैसे करेंगे मैं बताता हूं। पहले मैं बताता हूं डिटेल। ठीक है, डिटेल मेथड ये है आपका कि यदि मैं मान लूं घोड़ों की संख्या, यदि मैं मान लूं घोड़ों की संख्या बराबर एक्स। ठीक है, मैंने घोड़ों की संख्या एक्स मान ली अपनी तरफ से, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं है। ठीक, अब घोड़ों की संख्या मैंने एक्स मान ली, तो आदमियों की संख्या कितनी होगी बराबर, आदमियों की संख्या भी कितनी होगी, एक्स ही होगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी, तो इसका मतलब क्या कि जितने घोड़े हैं उतने ही क्या है, आदमी, तो आदमियों की संख्या। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी कि घोड़ों की संख्या और आदमियों की संख्या क्या है, बराबर है, जो कि मैंने क्या मान ली, एक्स मान ली। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि आधे आदमी अपने घोड़ों पर बैठे हैं, आधे तो आदमी अपने घोड़ों पर बैठे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आधे आदमी क्या है, अपने घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं। ठीक है, अगर आधे आदमी अपने घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं तो आधे आदमी कितने होंगे, एक्स वाई टू, एक्स का आधा कर देंगे तो आधे आदमियों की संख्या हो जाएगी जो अपने घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं। अगर पैदल चल रहे हैं तो इनके मैं पैरों की बात करूं, कितने पैर होंगे, एक आदमी के कितने पैर होते हैं, दो, आधे आदमियों के पैर कितने होंगे, ये कुछ संख्या में आदमी होंगे, इनके टोटल पैर कितने होंगे, अगर मैं दो से मल्टीप्लाई कर दूं ये टोटल पैरों की संख्या हो जाएगी आदमियों के। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, दो से दो कटेगा, एक्स पैर, ये क्या आ गया हमारा, आदमियों के, आदमियों के पैर। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा, आदमियों के पैर आ गए, और घोड़ों के पैर कितने होंगे, घोड़े कितने थे, एक्स थे, और एक घोड़े के पैर कितने होते हैं, चार पैर होते हैं, तो चार से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, फोर एक्स, ये क्या आ गया हमारा, घोड़ों के पैर। ठीक है, घोड़ों के पैर आ गए। अब देखो आधे आदमी जमीन पर चल रहे हैं और सारे के सारे घोड़े जमीन पर चल रहे हैं, कुल टांगों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो आधे आदमी और सारे के सारे घोड़ों के पैर आ गई है, तो अगर दोनों को जोड़ू मैं 4x प्लस के x, तो कुल जमीन पर पैर कितने हो जाएंगे, 5x। ठीक है, 4x और एक x कितना हो जाएगा, 5x, तो ये कुल जमीन पर पैर हो गए, कुल जमीन पर कितने पैर हैं, इतने पैर हैं, जो हमें कितने दे रखे हैं, 70 दे रखे, तो 70 हमें इसके कोस्ट रख दूंगा। ठीक है, रख दिया। अब देखो 5 से कितनी बार जाएगा, ये 14 बार जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 14। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास घोड़े कितने थे, 14 थे, और आदमी भी कितने थे, 14 थे। ठीक है, आई थिंक ये डिटेल मेथड आपको समझ में आया होगा, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। ठीक, अब देखो ऑप्शन से कैसे बनाएंगे इसी क्वेश्चन को,
ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चलो मैं 14 ही उठा लेता हूं, ठीक है 14 उठा के मैं समझाता हूं आपको। अगर मैंने मान लिया घोड़ों की संख्या कितनी है 14 है, तो घोड़ों के पैर कितने होते हैं 4 होते हैं, तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे 14 दूनी 28, 14 चौका 56, 56 पैर हो जाएंगे टोटल, ठीक है घोड़ों के। अब अगर मैंने घोड़ों की संख्या 14 ले ली तो आदमियों की संख्या भी कितनी होगी 14 होगी, और आधे आदमी हमारे क्या पैदल चल रहे थे, इसका मतलब कितने पैदल चल रहे थे 7 आदमी पैदल चल रहे थे, और 7 आदमियों के पैर कितने होंगे टोटल पैर कितने जाएंगे 14। अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो कितना आएगा देखो 0 और 6 1 7 70 आ गया, तो टोटल जमीन पर कितने दे रखे थे पैर हमें 70 दे रखे थे, यहाँ पे भी 70 आ गया, इसका मतलब क्या ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है आई थिंक ये भी समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि यदि 2 अंकों की संख्या का योग 9 है और यदि संख्याओं के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो संख्या का नई संख्या जो होती है वो हमारी कितनी बढ़ जाती है 27 बढ़ गई 14 बढ़ गई, ऐसा कि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के, उस टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम, ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा अच्छे से। इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है वो क्या है, अंकों से संबंधित प्रश्न, ठीक है जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, ठीक है पहला क्वेश्चन है आपका कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है, ठीक है उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि अंकों का स्थान, यदि अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 18 अधिक आती है, ठीक है तब वास्तविक संख्या बताइए, ठीक है आपको क्या बताना, वास्तविक संख्या बतानी है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, तो ध्यानपूर्वक समझना और किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे मैं आगे बताऊंगा आपको हर टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है तो ध्यान से समझना। देखो पहले मैं आपको बताऊंगा डिटेल मेथड, पहले मैं आपको बताऊंगा डिटेल, ठीक है और उसके बाद मैं बताऊंगा ऑप्शन से कैसे बनाएंगे आप लोग। अगर मैं इसके ऑप्शन लिख दूं, ऑप्शन है आपका इसका 72, बी ऑप्शन है आपका 75, सी ऑप्शन है आपका 57 और डी ऑप्शन है आपका none of these, ठीक है इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में। तो को डिटेल समझ लो, डिटेल क्या है, ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि 2 अंकों की संख्या हम मानते कैसे हैं, 2 अंकों की संख्या कैसे बनाते हैं। अगर मैंने माना इकाई का अंक x तथा धाई का अंक y है, ठीक है
दो अंकों की संख्या है तो एक इकाई होगा, एक अंक ढाई होगा, ठीक है। तो इकाई का अंक मैंने क्या माना, x माना, और ढाई का अंक मैंने क्या माना, y माना। तब मेरी संख्या क्या बनेगी, तब संख्या क्या बनेगी, देखो इकाई का अंक x प्लस टेन वाई, ठीक है, x प्लस टेन वाई मेरी क्या बनेगी, संख्या बनेगी। कैसे बनेगी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने एक संख्या ली 32, ठीक है, इस 32 संख्या को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो इकाई का अंक क्या है, दो है, तो दो प्लस ढाई का अंक क्या है, तीन, तीन गुणा दस लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैंने वही करा, इकाई का अंक क्या माना था, एक्स, तो इकाई का अंक एक्स, तो एक्स जोड़ दिया मैंने, ठीक है, और बाई ढाई का अंक क्या था, बाई, तो बाई गुणा दस, यहां पे भी क्या ढाई का अंक तीन है, तो तीन गुणा दस। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि मैंने कैसे संख्या बनाई है दो अंकों की, ठीक, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, अभी दो अंकों की संख्या आ गई, ठीक, उसके बाद हमसे क्या बोल रहा है कि संख्या के अंकों का योग 12 है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, 12 है। अंक क्या है भैया, एक तो x है, एक y है, दोनों का योग क्या गिवन है हमें, x प्लस y बराबर कितना दे रखा है, 12, ठीक। आई थिंक इसको 1 मान लो, आई थिंक इतनी बात में समझ में आ रही होगी आपको। उसके बाद बोल रहा है कि यदि अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो वास्तविक संख्या से अधिक प्राप्त होती है संख्या, जो नई संख्या बनेगी हमारी वो वास्तविक संख्या से कितनी अधिक प्राप्त होती है, 18, ठीक है। तो अंकों का, अंकों के स्थान बदलने पर, ठीक है, अगर मैं अंकों के स्थान बदल दूं, इकाई के अंक को ढाई के प्लेस पे और ढाई के अंक को इकाई के प्लेस पे रखूं, तब बदलने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, देखो इकाई के अंक को ढाई के अंक पर लेकर आएंगे तो टेन एक्स प्लस के वाई हो जाएगी, ठीक है, इतनी बात भी समझ में आ रही होगी। ये मेरी संख्या आ गई स्थान बदलने पर, और ये कितनी ज्यादा है वास्तविक संख्या से, 18 ज्यादा है ये संख्या, तो हम कैसे लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कैसे लिखेंगे, स्थान बदलने पर हमारी संख्या क्या आई थी, स्थान बदलने पर हमारी संख्या आई थी टेन एक्स प्लस के वाई, ठीक है, ये कितनी ज्यादा है, 18 ज्यादा है किससे, वास्तविक संख्या से, तो ये क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस के टेन वाई, सॉरी टेन वाई प्लस के एक्स प्लस 18, ये है, ये ज्यादा है तो हम इस तरफ जोड़ेंगे, ठीक है, अगर ये ज्यादा होता तो हम इस तरफ जोड़ते, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। देखो इसकी कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन करेंगे तो हम इधर ले आओ इसे, देखो टेन एक्स है ये, इधर से x आएगा माइनस में आएगा x प्लस के, ये टेन वाई, देखो ये वाई है, ये टेन वाई है, तो इधर क्या आएगा माइनस में टेन वाई इक्वल टू 18, इतनी बात समझ में आ रही होगी। देखो टेन एक्स में से एक x जाएगा कितना बचेगा 9x, और यहां से देखो कितना बचेगा माइनस के 9y इक्वल टू 18, 9 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस के y कितना आएगा हमारा 18, ठीक है, और 9 से कितनी बार जाएगा, देखो ये दो बार जाएगा, 9 दूनी 18, तो x माइनस के y हमें क्या मिल गया 2, इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो x प्लस कितना दे रखा था 12, x माइनस y कितना दे रखा 2, तो इसे 2 मान लो। अब लिखो फ्रॉम 1 एंड 2, अगर 1 और 2 को हम सॉल्व करें तो x प्लस y बराबर कितना था हमारा 12, x माइनस के y कितना आया हमारा 2, दोनों को सोल्व करेंगे, देखो दोनों को जोड़ेंगे इन्हें हम, तो ये माइनस से ये प्लस से कट जाएंगी, ये क्या आएगा 2x बराबर हमारा 14, या x बराबर कितना आएगा 7, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, x बराबर कितना आ गया हमारा 7। अगर मैं y की बात करूं तो y देखो यहां से निकाल सकते हैं हम, x हमारा 7 है, x हमारा कितना आया है 7 प्लस के y बराबर कितना आएगा 12, तो y बराबर कितना आ जाएगा, देखो यहां से 12 माइनस 7 मतलब 5, ठीक है, तो संख्या क्या आ जाएगी हमारी, इसलिए संख्या बराबर, संख्या क्या थी ओरिजिनल वास्तविक संख्या क्या थी, टेन वाई प्लस के एक्स, तो टेन वाई की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 5, और एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 प्लस के 7, तो कितना आ जाएगा, देखो 50 प्लस के 7 बराबर
57, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, ठीक है। आई थिंक ये डिटेल मेथड आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। अब देखो ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आए आपको एग्जाम में हमेशा डिटेल मेथड से ना बना के इसे क्या करना, ऑप्शन से ही बनाने की कोशिश करना, ऑप्शन से आसानी से बच जाते हैं विद इन सेकेंड में, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखो ऑप्शन से, देखो ये कह रहा था दो अंकों की संख्या का योग क्या है, 12 है। तो सबसे पहले तो देख लो कौन कौन सी संख्या ऐसी है जिनके दोनों अंकों का योग क्या है, 12 है। अगर मैं बात करूं पहले ऑप्शन की, दोनों देखो यहां पे इकाई का अंक क्या है, 2 है, यहां दहाई का अंक क्या है, 7, दोनों को जोड़ेंगे कितना का, 9। इसका मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं हमारा, क्योंकि अंकों का योग क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो यहां कितना रहा, 9, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारे पास कितने ऑप्शन बचे, 3 ऑप्शन बचे, ठीक है। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, दूसरा ऑप्शन है हमारा 75, दोनों अंकों को जोड़ो कितना आ गया, 7, 5, 12, तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है, ठीक है। और इसके अंकों का योग करेंगे तो इसका भी क्या आएगा, 12, ये ऑप्शन भी हमारा हो सकता है, ठीक है। अब आगे की बात समझते हैं कि आगे क्या दिया है हमें, यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए, अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 18 अधिक आती है। तो हम क्या करते हैं, अगर ये वास्तविक संख्या है इसके अंकों का स्थान बदल दें हम तो कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा था कि 28 अधिक हो जाती है, लेकिन ये संख्या क्या हो गई, 28 कम हो गई। अरे बात समझ में, ये संख्या क्या हो गई, 75 थी 57 हो गई, तो ये कम हुई है ना, तो ये 28 कम हो गई, 18 कम होगी सॉरी, तो इसका मतलब ये तो होगी नहीं, क्योंकि हमसे बोल रहा था कि 18 अधिक हो जाती है, तो जिस ऑप्शन में 18 अधिक होगी वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अगर मैं 57 को लेकर चलूं वास्तविक संख्या, चलो 57 ले ली, ठीक, इसके अंकों का स्थान बदल दें तो कितना आएगा, 75, दोनों का डिफरेंस देखें कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पहले 57 थी वास्तविक संख्या, अंकों का स्थान बदले तो 18 बढ़ गई, इसका मतलब सारी की सारी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ऑप्शन जो है सही कौन सा है, 57, ठीक है। इस तरह से आप आसानी से कर लेंगे विद इन सेकंड में, इस तरह से डिटेल मेथड बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा सब कुछ अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा, क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप का। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस आप क्या करोगे, ऑप्शन से बनाने की कोशिश करना, ठीक है। ऑप्शन से आसानी से बन जाते हैं और जल्दी बन जाते हैं विद इन सेकंड में, डिटेल मेथड में थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है वो तो विद इन सेकंड में बना लेगा, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे बार बार तो विद इन सेकंड में डिटेल मेथड से भी बना लोगे, ठीक है। बशर्ते दोनों मेथड आपको आने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ इस टाइप के, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है, ठीक है, 9 है, तब यदि अंकों के स्थान, तब यदि अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, तो प्राप्त संख्या, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 27 अधिक प्राप्त होती है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या बताइए, वास्तविक संख्या बताइए, ठीक है। वास्तविक संख्या आपको बतानी है, सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था वैसे ही है, ठीक है। और इसके ऑप्शन अगर मैं बात करूं, ऑप्शन आपके ऑप्शन नंबर ए मैंने लिख दिया आपका 54, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मैंने लिख दिया आपका 63, ऑप्शन नंबर सी लिख दिया मैंने 36, और ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ऑप्शन से बनाओ, कैसे बनाओगे,
ये कह रहा है कि यदि अंकों का, यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है, तो चेक करते हैं 9 किस ऑप्शन में आ रहा है अंकों का योग। 5 4 9 यहाँ भी 9 आ रहा, 3 6 9 यहाँ भी 9 आ रहा, 3 6 9 यहाँ भी 9 आ रहा। इसका मतलब तीनों संख्याएं और इसका सही आंसर हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कंडीशन बोली है। ये बोला कि यदि यदि अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 27 अधिक प्राप्त होती है, 27 अधिक प्राप्त होती है। देखो तो स्थान बदलो, अगर मैं इसका स्थान बदल दूं तो ये 45 होगा, 54 थी 45 होगी, इसका मतलब ये कम हो रही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। देखो अब 63 को देखें, 63 को अगर मैं स्थान बदलूं तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, इसका मतलब ये 63 थी और 36 हो रही है, इसका मतलब ये भी कम हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद मैं देखता हूँ 36 को, 36 को अगर मैं देखता हूँ इसके स्थान बदल दूं तो ये 36 है, कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। अगर मैं 36 और 63 का डिफरेंस देखूँ तो कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे, इसका मतलब मेरा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में भी आया होगा और अच्छा मेथड लगा होगा। डिटेल से बनाना चाहें तो आप जैसे मैंने बताया था शुरू में पहले वाले क्वेश्चन में डिटेल से, वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चंस बनेगा आपका। आई थिंक ये समझ में आया होगा सभी के। ठीक है, चलिए मिटा देता हूं मैं इसको। अगर देखो यहां तो क्या हो रहा था कि अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर संख्या क्या हो रही थी, अधिक प्राप्त हो रही थी, पहले 18 प्राप्त हो रही थी, दूसरे क्वेश्चन में 27 प्राप्त हो रही थी। हमसे कम भी बोल सकता है कि 18 कम हो जाती है, 27 कम हो जाती है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सेम ऐसे ही बनेंगे, ऑप्शन से बनाने उन्हें भी, ये डिटेल से भी बना सकते हैं आप, बनेंगे सेम इसी तरीके से। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी बातें, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, दो अंकों की संख्या कोमा अंकों के योग की 4 गुनी है, 4 गुनी है। ठीक है, 4 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, 9 जोड़ दिया जाए तब अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, तब अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। ठीक है, परस्पर बदल जाते हैं तो संख्या बताइए, तो संख्या बताइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या गिवन है, 2 अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। ठीक है, जो संख्या है वो अंकों का योग करने की क्या है, 4 गुनी है, अंकों के योग की 4 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, उसी क्वेश्चन को जो पहला वाला टाइप था उसी को थोड़ा सा इन्होंने क्या करा है, घुमाया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देख लीजिए। अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूं, ऑप्शन नंबर 1 है तुम्हारा 10, ऑप्शन बी है आपका 12, ऑप्शन सी है आपका 14 और ऑप्शन डी है आपका 16। ठीक है, अब देखो पहले तो मैं इसके डिटेल मेथड की मैं बात कर लेता हूं, डिटेल्स कैसे बनाएंगे। ये कह रहा है कि दो अंकों की संख्या क्या होगी, वही देखो मैंने इकाई का अंक माना एक्स, इकाई का अंक क्या माना मैंने एक्स, दहाई का अंक मैंने क्या माना बाई, तब संख्या प्राप्त होगी मुझे, तब संख्या क्या बनेगी 10y प्लस के x बनेगी। ठीक है, ये संख्या आ गई, 2 अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। अंकों का योग करेंगे तो क्या आएगा x प्लस के y, इसकी क्या है 4 गुनी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है
ये वाली संख्या जो है इससे चार गुनी है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार टेन वाई प्लस के एक्स बराबर क्या है, चार गुनी किसकी है, एक्स प्लस के वाई की। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, उसके बाद यदि संख्याओं में नौ जोड़ दिया जाए, यदि संख्या में नौ जोड़ दिया जाए तो तब अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से एक रिलेशन लिख लेगा, रिलेशन निकाल लीजिए, टेन वाई प्लस के एक्स बराबर कितना आएगा, फोर एक्स प्लस के फोर वाई। ठीक है, अब देखो इधर ले आओ या उधर ले जाओ, उधर लेकर जाओ तो क्या आएगा, देखो थ्री एक्स, फोर एक्स में से एक्स जाएगा इधर माइनस होगा तो कितना आएगा, थ्री एक्स आएगा, और उधर ये जाएगा तो माइनस के सिक्स वाई इक्व टू जीरो, या क्या आएगा आपका एक्स माइनस के टू वाई इक्व टू जीरो। ठीक है, इक्वेशन वन, या इक्वेशन वन इसे मान के आप क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर टू वाई। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन इसको मानो। आई थिंक इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब ये कह रहा है कि यदि संख्या में नौ जोड़ दिया जाए, संख्या में नौ जोड़ दिया जाए, संख्या क्या थी, टेन वाई प्लस के एक्स, इसमें नौ जोड़ दिया जाए, इसमें नौ जोड़ दिया तो अंकों के स्थान क्या होंगे, बदल जाएंगे, मतलब कि टेन एक्स प्लस के वाई हो जाएगी ये संख्या। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, इसे सोल्व करो। देखो उधर लेके जाओ तो क्या आ जाएगा, नाइन एक्स, इधर जाएगा माइनस होगा तो 9x हो जाएगा ये। ठीक है, और ये इधर जाएगा तो माइनस के क्या बचेगा, 9 बाई इक्व टू सॉरी प्लस के 9 इक्व सॉरी 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 इधर क्या बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें उधर चली गई ना तो 9 इधर बच जाएगा। देखो 9 कॉमन आएगा, x माइनस के y बराबर कितना आएगा, 9, या x माइनस के y बराबर क्या आएगा आपका, 1, क्योंकि 9 से 9 कट जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी आप सभी को। अब देखो x माइनस के y बराबर कितना आया, 1 आया, और यहाँ पे क्या था, x बराबर 2y, तो x की जगह मैं 2y रख सकता हूँ तो रख दो, 2y माइनस के y बराबर कितना आएगा, 1, या y बराबर कितना आ गया, 1। अब मेरा y बराबर 1 आ गया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रॉम 1 x बराबर कितना आ गया मेरा, 2 इंटू 1 मतलब कि 2, x मेरा 2 आ गया और y मेरा क्या आ गया, 1। तब मैं संख्या की बात करूँ तब संख्या बराबर क्या आ जाएगा मेरा, देखो संख्या क्या थी, 10 वाई प्लस के x, 10, y की वैल्यू क्या है, 1, और x की वैल्यू क्या है, 2, 10 प्लस के 2 बराबर 12, तो 12 मेरा क्या होगा, सही आंसर होगा। डिटेल मेथड ये है, डिटेल से बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया ऑप्शन से बनाना है, कैसे बनाएंगे देख लो। मैंने देखो ऑप्शन क्या ले लिया, 12 भी नहीं ले लिया, जो इसका आंसर है वो ही ले लिया। ठीक है, समझाने के लिए आसानी से, वरना तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो अगर मैंने 12 ले लिया, ये कह रहा है कि दो अंकों की संख्या, जो संख्या है 12, वो क्या है, अंकों के योग की चार गुनी है। अंकों का योग करेंगे दोनों के, दो और एक कितना हो जाएगा, 3, इसकी क्या है, चार गुनी है। देखो ये भी 12 आएगा, ये भी 12 होगा, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी। आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे क्या बोला, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, 12 है संख्या, अगर उसमें 9 जोड़ दे तो कितना आएगा, 21। तो ये कह रहा है यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तब अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। तो अंकों के स्थान देखो बदल गए, नहीं बदल गए, पहले एक जो था वो ढाई के प्लेस पे था और दो जो था इकाई के प्लेस पे था, लेकिन अब 9 जोड़ने के बाद ये क्या हो गया, ढाई के प्लेस पे आ गया 2, और ये इकाई के प्लेस पे आ गया। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सिर्फ आपके ऑप्शन को देखते ही बन जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन से लगाओगे आसानी से बन जाएंगे सारे के सारे, बसरते आपको कंडीशन को क्या है, सेटिस्फाई कराना आना चाहिए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा आपका। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं सबको अच्छे से क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है और अच्छे से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आज की क्लास का, इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग संख्या से 9 कम है,
नो कम है तब संख्या का दहाई का अंक क्या होगा, तब संख्या का दहाई का अंक क्या होगा, ठीक है ये बताना। हमसे इकाई का अंक भी पूछ सकता था, तो जैसे दहाई का अंक बताएंगे वैसे ही हम क्या बताएंगे, इकाई का अंक बताएंगे, ठीक है इतने कॉमन सेंस रखना है और उसी तरीके से क्वेश्चंस को बनाना है। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, इसके ऑप्शन है आपके, ऑप्शन एक है दो, ये कर लो, ऑप्शन बी है तीन, ऑप्शन सी है चार, ऑप्शन डी है आपका वन, ठीक है। अब देखो अगर डिटेल मेथड की बात करूं, मैं इसके डिटेल मेथड बता देता हूं आपको जल्दी से। दो अंकों की संख्या का अंकों का योग, दो अंकों की संख्या क्या होगी हमारी, टेन वाई प्लस के एक्स, पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बना के बताई थी, ठीक है संख्या के अंकों का योग, ठीक है अंकों का योग क्या होगा, एक्स प्लस के वाई, संख्या से नौ कम है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग संख्या से नौ कम है, नौ कम है ये, इसका मतलब नौ इधर जोड़ेंगे तो ये संख्या के बराबर आ जाएगा, ठीक है ये बात समझ में आ रही होगी। ये कह रहा था कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग संख्या से नौ कम है, नौ कम है तो इसमें अगर नौ जोड़ दें तो दोनों क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी, तो इतनी बात समझ में आ रही होगी। चलो सोल्व कर लेते हैं इसको, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, एक्स प्लस के वाई प्लस नाइन इक्व टू टेन वाई प्लस के एक्स, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, ये देखो x से तो x कट जाएगा लेकिन इधर y जाएगा तो ये क्या आएगा, 9y इक्व टू कितना आएगा 9, 9 से 9 कटेगा, y बराबर कितना आएगा 1, ठीक है y बराबर 1 आएगा। और हमसे क्या पूछा था, दहाई का अंक, ठीक है दहाई का अंक पे क्या था, इकाई के अंक पे x है, दहाई के अंक पे क्या y है, इसका मतलब दहाई का अंक हमारा क्या होगा 1, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगर हमसे, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें तथा वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाए, ठीक है। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।